मित्र, आज के वीडियो में होने वाला है जबरदस्त वाला क्रेजी कंस्ट्रक्शन। गाइस, आज हम पता है क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं इन बहुत सारी बॉटल्स की मदद से नाव। यहाँ पर बहुत सारी पूरी जो गाड़ी है उसके अंदर गाइस खाली प्लास्टिक की बॉटल्स भरी हैं। जो बॉटल्स होती हैं वो वैसे तो वेस्ट ही मानी जाती हैं, एक बार यूज करने के बाद इसका जो कोई खास यूज नहीं होता। लेकिन गाइस, आज हम जो है दिमाग लगाएंगे और इन बॉटल्स की मदद से जो है एक बोट बनाने की कोशिश करेंगे। इधर पे जो है बहुत सारा पानी भी है और हम पूरी गाड़ी भर करके बोतलें लेकर के आ चुके हैं कहीं कहीं से जुगाड़ करके। तो ऊपर जो है आप देख सकते हो बिस्लेरी की बहुत सारी खाली बॉटल्स हैं। आप देख सकते हो पूरी जो गाड़ी है वो इससे भरी हुई है, हमने इनको बांध रखा है। और नीचे जो है कोका कोला की या कोल्ड ड्रिंक्स की भी जो है बहुत सारी बॉटल्स हैं। तो देखते हैं गाइस किस तरीके से हम जो है आज बना पाएंगे बॉटल्स की बोट, क्या वो काम करेगी या वो काम नहीं करेगी, अभी कुछ भी नहीं पता। तो फटाफट ही शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग भाई वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइक का बटन जरूर से दबा देना भाई, प्लीज वीडियो के लिए लाइक कर देना। आज की वीडियो का टारगेट थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, 1.8 मिलियन लाइक्स यानी 18 लाख लाइक्स का। यहाँ पर जो बॉटल्स हैं वो गिर चुकी हैं। तो सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को पूरा देखना। फटाफट से शुरू करते हैं। एक बार आके देखो भाई बॉटल्स कितनी सारी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जरा सा भी जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मटेरियल है ये वेस्ट ही है, तो इसका कुछ यूज ही होगा, कुछ क्रिएटिव भी बनेगा, मजा भी आएगा। चलो देखो एक बार कितनी सारी बोतल है भाई, और सारी जो है 1 लीटर वाली है, ये तो बहुत सारी है। तो भाई साहब लगभग 1000 बोतल तो हमारे पास में है बिस्लेरी की। ये खाली खोलो, और ये है बड़ी वाली। तो गाइस अगर, अरे बहुत तेज आवाज आ रही है, अगर इन बोतल से बनी हुई बोट काम करी तो आ जाएगा मजा। चलो अब बनाते हैं बोट। सबसे पहले गाइस एक बेस बनाना पड़ेगा बोतल्स का, ताकि ऊपर की जो स्ट्रक्चर है बोट की वो बना सके। तो यहाँ पर बड़ी बोतल्स को लाइन में लगाएंगे सबसे पहले, और बहुत लंबी लाइन हमको शुरू में बनानी पड़ेगी यहाँ पे। गाइस कल पूरा दिन हम धूप में लगे रहे लेकिन बोट नहीं बन पाई, क्योंकि इतनी बॉटल्स को जोड़ना भाई इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पर आज हम फिर से आ चुके हैं और आज भी लगे हुए हैं यार, मतलब हमको कुल मिलाकर के 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि हमने इस तरीके की बहुत सारी लेयर्स बना दी हैं, और अभी आपको दिखाते हैं कि बोट की जो शेप है ना वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आने लग गई है। इन बोटल्स को खड़ा करेंगे, अभी जो सारी लेयर्स हैं वो अलग अलग है, लेकिन इनको अब चिपका देंगे एक साथ में। और ये तो सिर्फ जो है बेस बनेगा बोट का।
गाइस कल भी हम इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सके, लेकिन आज जाकर के तीसरे दिन हमने हमारी जो बोट है वो बना दी है। और आप लोग देखो कितने बड़े साइज की गाइस जो बोट है वो यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर क्या जबरदस्त लग रही है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉटल्स का यूज किया गया है, कोई लकड़ी नहीं, कोई लोहा नहीं, सिर्फ बॉटल्स और टेप बस। ये जो है पानी में तैर पाएगी या नहीं तैर पाएगी, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। हमने जो है ये ऊपर बनाया ताकि अंदर थोड़ी छाया भी हो सके और इसकी जो शेप है वो और अच्छी लग सके, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर ये छाया के लिए भी बनाया है। बाकी आप देख सकते हो कि ऊपर हमने दीवार भी बनाई है ताकि बोट अगर थोड़ा इधर उधर हो तो इसकी बैलेंसिंग भी हो जाए। लेकिन गाइस अभी भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो लगाने के बाद में जो है ये जो बोट है ये हो जाएगी भाई साहब पक्की हिंदुस्तानी, हमारी अपनी स्वदेशी बोट जो कि हमारा तिरंगा। और गाइस आप लोग देखो ये जो है लहराता हुआ यहाँ पर कितना जबरदस्त लग रहा है, और जो पूरी बोट का लुक है उसको कितना शानदार बना रहा है। तो अब बारी है टेस्टिंग करने की, तो गाइस लेकर के चलते हैं उसको पानी में और देखते हैं कि ये जो है तैरेगी या नहीं तैरेगी। कुछ भी हो उसको डूबने नहीं देना है, ठीक है। तो चलो अब इसको पानी में लेके चलते हैं, और आप सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना यार। गाइस 3 दिन हो गए गर्मी में धूप में लगे हुए हैं। पानी के पास लेके जा रहे हैं भाई नाव को, और आप यहां से समझो कि नाव कितनी हल्की है बोतलों की वजह से कि हम इसको उठा करके ले जा पाते हैं। घूम जाओ। और इस तरीके जो नाव है जो जमीन पे भी चलती है गाइस, हवा में भी, अभी नाव हवा में उड़ के जा रही है, देखो अभी हवाई रास्ते से जा रही है। हाँ इसमें 3-3 इंजन लगे हैं भाई। रख दो आराम से, एक साइड से रखो पहले। बहुत बढ़िया। अब हमको ये नहीं पता कि इस बोट का सर ये है या वो है, किसी को भी मान लो गाइस वैसे तरीके से ये जो इसका हेड होना चाहिए वो टेल होनी चाहिए, क्योंकि पीछे यहाँ पर जो छांव है वो पीछे की तरफ है और यहाँ पर जो है ये हेड है। गाइस ऐसी जो चीज़ है वो हमने पहली बार बनाई है, ऐसा नहीं है कि खुद की चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी भाई एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें खतरा हो भी सकता है। तो अगर बाय द वे ये जो बोट है ये पलटती है कुछ भी होता है तो कहीं कहीं पर पानी इतना गहरा है कि उसमें आदमी डूब सकता है। इस जोहड़ के अंदर डूब करके मौत भी हुई है। ठीक है गाइस लाइफ जैकेट ऑन है, और यहाँ पर जूते जो है अपने वो निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम पानी में गिरे तो जूते मेरे को ज्यादा और फंसा देंगे। चलो अब इसको जो है आगे लेके चलते हैं। अभी 2 लोग जा रहे हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए, अगर जो है सब सही रहा, सब कामयाब रहा तो ज्यादा लोग भी जाएंगे। उठाओ देखो पानी गहरा है वहां, वो दस गया। गाइस यहाँ पर जो है ट्रायल है और पूरा चांसेस है कि बोट पलट भी सकती है अभी तक तो, लेकिन 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 गाइस यहाँ पर आकर के अब मुझे लग रहा है कि ठीक चीज है, स्टेबल भी है, विश्वास बढ़ रहा है। वो हो गाइस यहाँ पर जो हमारी बोतल से बनी हुई बोट है वो काम कर रही है। यार गाइस ये चीज इतना बढ़िया से काम करेगी यार, देखो आपके सामने भाई बोट। चलो अब इसको जो है गहरे पानी में लेके चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर चप्पू मारते ही बोट चलना स्टार्ट हो गई और रुक भी गई, नीचे शायद कहीं टच हो गई है। चलो आगे टापू तो नहीं है, देख के चलना ना, मेरे को देख नहीं रहा है। चलो फटाफट फास्ट फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस यहाँ पर बोतल की बोर्ड लेकर के हम लोग आ चुके हैं पानी में, और आप लोग देख सकते हो क्या मस्त जो रफ्तार है वो पकड़ रही है हमारी बोट। क्या बात है एकदम मस्त और जबरदस्त जो है ये काम कर रही है। गाइस यहाँ पर जो बोट है वो
फिलहाल बीच में आ चुकी है और सब कुछ बढ़िया से काम किया है। भाई साहब अब सब लोगों का लाइक करना बनता है इस चीज के लिए। तो गाइस फिलहाल हम लोग पानी के एकदम बीचों बीच आ चुके हैं हमारी इस बोट में और आप लोग देखो चारों तरफ फिलहाल जो है पानी है और कुछ भी नहीं है, हर तरफ में जो है भाई साहब पानी ही पानी है। तो गाइस यार क्या बात है, मतलब ये जो बोट है जो बोतल की बनी हुई है उस पे फिलहाल सवार होके हम जा रहे हो। देखो मैं खड़ा हूँ, ये इतनी स्टेबल है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गाइस अगर बोट पर ज्यादा गर्मी लगे तो छाया का ऑप्शन भी यहाँ पर है और ये जो छत है ना इसके नीचे बैठ करके थोड़ी बहुत जो छाया वो आई सकती है। तो मैं आऊंगा अब इस साइड में और भाई साहब ये है बोतलों की छाया नाव के अंदर। अरे यार वास्तव में वहां तो जो है पसीने आ गए और यहाँ पर आकर के रिलैक्स मिल गया है। अरे यार भाई बोतलें जो है ना वो हमको तैरा रही है आज और ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट में था। गाइस ड्रीम प्रोजेक्ट जब पूरा होता है ना तो दिल को इतनी खुशी होती है बस क्या बताऊं। हाँ अरे बोट घूम रही है गाइस, बोट घूम रही है, तिरंगा ठीक है। हाँ ये हवा से जो बोट है वो घूम रही है और गाइस तिरंगा जो है, नहीं तिरंगा ठीक है, थोड़ा ये नीचे कैसे चला गया भाई। तो गाइस हमारा जो झंडा है उसको एकदम फिट कर देते हैं जैसा इसे होना चाहिए है। भाई साहब बोतल की जो नाव है वो फिलहाल तैर रही है और हमारा जो तिरंगा है वो भी जो है बहुत ही शान से लहरा रहा है। भारत माता की जय। ये जो है गाइस हमारा जो झंडा है वो यहाँ पर फिर से शान से गढ़ चुका है। तो अब जो है बोट को लेकर चलते हैं वापस से किनारे पर हमारे चप्पू की मदद से। और अब अच्छी बात यह कि हवा चलना जो है वो थोड़ा सा कम हो गई है और इसकी वजह से हमारी बोट अब हवा की वजह से कम उतनी ज़्यादा नहीं भाग रही है। चलो भाई किनारे पर चलते हैं। चलो मार 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 मार, सही है एकदम परफेक्ट है भाई साहब, इससे बढ़िया बोट जो है नहीं बन सकती थी। चलो जी बस यहीं आकर के जो बोट है गाइस वो रुक चुकी है। तो भाई साहब पूरा जो एरिया है पूरा जो जोहड़ है उसमें घूम करके हम हमारी खुद की बोतल की बनाई हुई बोट में आ चुके हैं। हम निकलते हैं इससे बाहर। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारी जो हैंडमेड बोट थी प्लास्टिक बॉटल्स की उसमें तैर के पूरे एरिया के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अभी तक दो लोगों ने ट्राई किया, अब ज़्यादा लोग एक बार ट्राई करेंगे कि इसमें जो है कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या इसमें 4 या 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं। नहीं आ जाओ भाई। तो भाई फिलहाल 6 लोग बोट में चढ़ चुके और देखो अभी भी जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। चलो भाई आगे चलो। वो क्या करता है रे तेरी तो। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस हमें 1 घंटे से इधर ही है, कहीं नहीं जा रहे। गाइस देखो यहाँ पे कितने लोग जो है बोट में है और देखो मैं तो बस यहाँ पर किनारे पर खड़ा हुआ हूँ लेकिन यहाँ भी जो बैलेंस है वो बड़ा ही जबरदस्त बन रहा है और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग जो है इधर बैठे हुए हैं। चलो 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 चलो
दो, चलो। हमारी इस बोट में चलो 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 जान दो जान दो जान दो जान दो बढ़िया नहीं चलो चलो बैठ जा बैठ जा बैठ जा चलो उतर जाओ यार बोट के किनारे पे चलो चलो उतर जाओ। तो गाइस फाइनली हमारी जो बोट है वो आ चुकी है सब लोगों को घुमा फिरा के। और यार चीज देखो एक बार क्या जबरदस्त तरीके से जो है ये कामयाब हुई है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा इस वीडियो के अंदर। अगर आया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना, हम सबकी मेहनत के लिए जो है लाइक का बटन दबा देना भाई, बस वही चाहिए हमको। चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, चलो फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। और गाइस ये जोश तब आता है जब खुद की बनाई हुई चीज इस तरीके से काम करती है और उसके ऊपर जब लहराता है भारत का झंडा। चलो